हेलो एवरीवन, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हमारा जो सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, उसमें जब हमारा बोर्ड का फाइनल एग्जाम होता है तो उसमें हम अपने क्वेश्चंस को और कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमसीएचपी। अब बात आती है कि सर ये एमसीएचपी क्या है और ये एमसीएचपी के सिद्धांत पूछ रहा है, तो इसको हम और कैसे अट्रैक्टिव बनाए। सबसे पहले तो जो आपसे पूछा गया है एमसीएचपी के बारे में, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। एम से होता है मैटरनल, सी से होता है चाइल्ड और एच से होता है हेल्थ, पी से होता है प्रोग्राम। तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है, बेसिकली हेल्थ केयर प्रोग्राम, उसके लिए गवर्नमेंट ने एमसीएचपी प्रोग्राम चला रखा है। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिद्धांत क्या है, मेन एम क्या है इस प्रोग्राम को चलाने का। तो आप इसको बेसिकली एक दो चार की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर सबसे पहला पॉइंट कहता है टू प्रमोट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको और अच्छे से प्रमोट किया जा सके, कि क्या इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या क्या हमें इसके बारे में पता होना चाहिए उसके बारे में समझाया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट कहता है टू प्रमोट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कि एक बच्चा स्वस्थ हो और उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो पैदा होने के बाद, तो उसके रिगार्डिंग में भी प्रमोशंस किए जाते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। तो ये प्रोग्राम को लाने का मेन पर्पस ये भी था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है टू प्रोवाइड फुल प्रोटेक्शन टू मदर एंड चाइल्ड, मतलब कि बच्चे को और बच्चे की मां को दोनों को एक प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके। होता यह है कि बर्थ के टाइम पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, या तो खतरा बन जाता है बच्चे को यानी कि बेबी को, या फिर उसकी मम्मी को, मदर को, तो उन सब का प्रॉपर प्रोटेक्शन रहे उसके लिए भी ये एक्ट या ये प्रोग्राम लाना बहुत जरूरी था। तो एक ही मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू मदर एंड चाइल्ड, मतलब कि बच्चे को और बच्चे की मम्मी को यानी कि मदर और चाइल्ड दोनों को न्यूट्रिशियस फूड मिले, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, एंड जब बेसिकली प्रेगनेंसी के टाइम पर भी न्यूट्रिशियस फूड मिले और साथ ही साथ में पोस्ट प्रेगनेंसी, मतलब जब एक बर्थ हो जाता है बेबी का, उसके बाद भी बच्चे को भी और मदर को भी दोनों को बेसिकली एक न्यूट्रिशियस फूड मिले उसके लिए भी ये प्रोग्राम लाना बहुत जरूरी था। और लास्ट पॉइंट कहता है टू रिड्यूस मैटरनल पेरिनेटल इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट, मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बेसिकली एक बर्थ के टाइम पर जो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, मदर हो गई, तो इन सब का मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी रेट, मतलब कि बीमारी ज्यादा ना बढ़े और उनसे डेथ ना हो, ना तो बच्चे की और ना ही उसकी मम्मी की या मदर की, तो उस चीज को भी बचाया जा सके उसके लिए भी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम लाना बहुत जरूरी था। तो ये थे सारे ऑब्जेक्टिव्स एक एमसीएचपी प्रोग्राम के जो कि गवर्नमेंट लाई थी। For notes and video lectures, download कीजिए Pharmacy India mobile app from Google Play Store, और इसी तरीके की और amazing videos के लिए बने रहिए Pharmacy India Live के साथ।